नोएडा पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर चला रहे गैंग का किया भंडाफोड़। नोएडा पुलिस ने इंश्योरेंस पॉलिसी सेटलमेंट करने के नाम पर ठगी करने वाले पूरे गैंग की किया भंडाफोड़। डीसीपी नोएडा रणविंदर सिंह ने बताया कि साइबर सेल और पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर व थाना सेक्टर 113 नोएडा पुलिस द्वारा फर्जी कॉल सेंटर के माध्यम से इंश्योरेंस पॉलिसी सेटलमेंट करने के नाम पर ठगी करने वाले 16 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 6 अभियुक्त व 10 महिलाएं शामिल हैं, जिनके कब्जे से 1.5 लाख रुपए नकद, मोबाइल, लैपटॉप बरामद किए गए हैं। ये सारा गैंग गाजियाबाद के भोपुरा से ऑपरेट कर चलाया जा रहा था। पीरियड ऑफ टाइम लगभग 1,62,00,000 रुपए उनसे ठगी की गई है। इसमें जो भी डिटेल्स उनके पास था, उस डिटेल्स को लेकर के हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत करने के बाद छानबीन शुरू की, इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और उसमें हम लोगों ने सफलता पाई। जिस गैंग के द्वारा ये ठगी की गई थी, उस पूरे गैंग को हम लोगों ने बस्ट किया है। बेसिकली ये सारा गैंग गाजियाबाद के भोपुरा से ऑपरेट कर रहा था और इन लोगों ने IRDA का एक ब्रांच होता है IGMS, उससे जुड़ा हुआ बताकर जो हमारे वादी थे, उन्होंने बेसिकली इनका जो रिकॉर्ड था, एक उन्होंने एक पॉलिसी कराई थी काफ़ी दिन पहले, 6-7 साल पहले, HDFC में इंश्योरेंस पॉलिसी थी, जिसमें एक किस्त जमा उन्होंने किया था और बाकी किस्त जमा नहीं हुआ था। उस डेटा को लेकर के इस फ्रॉड वाले कंपनी के लोगों ने उनको कॉल किया और ये बताया कि अब तक इसमें 26 लाख रुपए हैं इसके और मैं ये 26 लाख रुपए आपको वापस करा दूंगा। उस 26 लाख रुपए को वापस कराने के नाम पे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उन लोगों ने लगभग 1,62,00,000 रुपए उनसे 1-1 लाख 2-2 लाख करके ले लिए थे। अभी हम लोगों ने इन लोगों को अरेस्ट किया है। ये जो किंग पिन है सोनू कुमार, ये भी अंडर अरेस्ट है और ये बेसिकली चला रहा था इस पर्टिकुलर जो केस है। इस केस में इसने नीलेश कुमार नाम के व्यक्ति को ये काम असाइन किया था और नीलेश ने पूरा का पूरा 1,62,00,000 रुपए का ट्रांजेक्शन करा और करवाया। इसमें बाकी टोटल 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 10 महिलाएं हैं, उनका भी रोल है, उनकी भी अरेस्टिंग हुई है और उनके रोल्स को भी देखा गया है। सभी लोग मिल करके इस काम को कर रहे थे, सबको जानकारी थी। हम लोगों ने इनके कब्जे से मोबाइल्स, लैपटॉप और लगभग 1.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। लेकिन जो किंग पिन है, इसके कुछ अकाउंट्स हैं जिस अकाउंट्स में पैसे गए हैं, उसको हम लोगों ने फ्रीज किया है। बाकी इनके द्वारा कुछ प्रॉपर्टीज़ भी अर्न की गई हैं, उस प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और ये जो पैसा इनसे लिया गया था, जो वादी से पैसे लिए गए थे, उन पैसों को इसी में इन्वेस्ट किया गया था। इसमें हम लोगों ने ये अब तक की ये कार्रवाई की है।